मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ एंड वो प्रोडक्ट है एक लिपस्टिक। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट मी शो यू द लिपस्टिक। वो है कौन सी ब्रांड की? इट्स वो नेल्फ यूएसए की लिपस्टिक है, राइट? आई होप यू कैन सी। एंड इसका यू नो टैगलाइन क्या दिया हुआ इन्होंने, इट्स द मियामी स्टिक, राइट? ओके, अब द नेल्फ यूएसए मे बी, अगर आप नाम से तो पता लग रहा है ये कि बाहर का ब्रांड है, राइट? ये मैंने खरीदी थी नायका से, तो मेरे पास इसका सिर्फ एक सिंगल शेड है। ये मैंने अभी अभी खरीदी थी, कुछ टाइम हुआ, लाइक 1 मंथ हुआ है, तो मैंने इसको अभी अभी खरीदा था नायका से। आई लव द लिपस्टिक। अब आप ये सोच रहे हो मैंने इसका सिंगल शेड क्यों खरीदा, क्योंकि यार आई हैव हर्ड दिस ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पहली बार एक तो इसके बारे में सुना एंड नायका पे मिल रहा था, आई थॉट कि अगर नायका पे मिल रहा तो यार अच्छा ही ब्रांड होगा, तो मैंने इसको खरीदा। मुझे इसके बारे में यू नो शेड देखना था एंड प्लस मैंने इसका वो देखना था, यू नो पिगमेंटेशन देखनी थी, टेक्स्चर देखनी थी, देखना था। सो दैट्स आई बॉट जस्ट वन लिपस्टिक कि अभी ये मेरे को अच्छी लगी, तो अब मैं इसके आगे और भी जितने भी शेड्स हैं मैं उनको देखूंगी। लाइक काफ़ी शेड्स हैं इनके, आप चेक कर सकते हो नायका की साइट पे। एंड ये आई गेस अमेजन पे नहीं मिलती, सिर्फ नायका पे मिल रही है, तो आप चेक कर सकते हो। लेट्स सी, राइट? और इनका यहाँ पे इन्होंने लिखा होता है MS 101, राइट? अगर मैं इस लिपस्टिक की बात करूँ तो ये आई गेस एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आई थी, वो मैंने फेंक दिया 1 मंथ पहले कि यार सामान खरीदो, कौन लिपस्टिक के कार्डबोर्ड यू नो रखता है, हम तो लाइक खोलते हैं, फेंकते हैं, जस्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसके ऊपर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, यार इसके ऊपर तो कुछ पता नहीं लग रहा, मे बी कार्डबोर्ड के ऊपर लिखी होगी। एंड 3.8 ग्राम का प्रोडक्ट है, नेल्फ यूएसए इसका नाम है, द मियामी स्टिक एंड MS 101। इसके ऊपर नेम कुछ नहीं लिखा, सिर्फ MS 101 लिखा हुआ है। एंड 175 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, ये आपको नायका पे मिलेगा। एंड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसके ऊपर आई डोंट नो ये कौन सा इनका लोगो बनाया हुआ है, आई गेस ये एन लिखा हुआ है, राइट? थोड़ा डिजाइनर से एन लिखा हुआ है। एंड इट्स अ वेरी स्लीक ब्लैक, यू नो समथिंग, कुछ समथिंग इन ब्लैक में आता तो कितना यू नो सुंदर सा लगता है, कितना स्लीक, कितना एलिगेंट सा लगता है। तो इट्स अ वेरी मैटिफाई सी यू नो इसकी पैकेजिंग है। एंड इट्स अ बुलेट लिपस्टिक ऑफ, सो लेट मी ओपन दिस। आप देख लो कितनी सुंदर लग रही है, ब्लैक एंड गोल्डन में है ये, राइट? अगर आप ये लिपस्टिक कहीं पे जाते हो, अगर आप इसको यू नो इसको ओपन अप करते हो एंड टिक करके बंद होती हो, तो आप ये ट्रैवल फ्रेंडली आप इसको अपने बैग वगैरह में डाल सकते हो। ओके, अगर आप कहीं जाते हो लाइक जस्ट आप इसको ओपन अप करते हो, लुक एट दिस, अब ब्यूटिफुल एक बुलेट बाहर आती है, कितनी ब्यूटिफुल सी नो लिपस्टिक है ये, कितनी अच्छी लग रही है। दिस इज द क्वान्टिटी। एक्चुअली मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो आप देखो मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है, तो राइट यू गेट 3.8 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। एंड आई लव द शेड, ये मैट है बट कम्फर्टेबल है, क्रीमी मैट नहीं है बट इट्स क्वाइट कम्फी ऑन योर लिप्स। हाँ, ट्रांसफर तो होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो मैंने अभी ये लिपस्टिक कौन सी लगाई है, तो दिस लिपस्टिक, ये मैंने ब्लू हेवन के आर्टिस्टो लिप क्रेयॉन लगाया। मैंने इसका भी रिव्यू अपने चैनल पे डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको देखो, वो वाली वीडियो बहुत सही वाला लिप क्रेयॉन है। एंड ये अगर ऑरेंज न्यूड है, इट्स अ पिंक न्यूड, राइट? अब मैं आपको इसका हैंड स्वैश करके दिखाती हूँ। सीधा हैंड स्वैश, मैंने थोड़ा सा एक्चुअली कैमरा नज़दीक करना था। राइट, सी हाउ पिंकिश ब्राउनी न्यूड सा शेड है, बहुत ब्यूटिफुल सा शेड है। एंड आई जस्ट लव द शेड। वैसे भी यार समर्स में आप इतने यू नो डार्क शेड्स नहीं लगाते, यू टेंड टू अप्लाई वेरी सटल, वेरी न्यूडी विद ब्राउनी शेड, तो ये बिल्कुल भी यू नो वैसा वाला न्यूड नहीं है कि यू नो, बट ये है थोड़ा यू नो पिंक टोन में है, तो यू कैन जस्ट वियर। आप अपने ऑफिस वगैरह जाते हो डेली, अगर आप कहीं यू नो थोड़े बहुत किसी इधर उधर कोई फंक्शन में जाते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप मेरी तरह, अगर आपने देखो अभी जैसे मैंने स्मोकी आई किया, इसके साथ ये वाली लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही, क्योंकि अगर आप आईज हैवी रख रहे हो तो यू हैव टू मेक दिस यू नो सटल डाउन होना चाहिए, सेम लाइक दिस। अब मैं इसी आई मेकअप के साथ मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ, आप देखना कितनी अच्छा लगेगा। सो लेट्स सी द लिप स्वैश, मैं आपको करके दिखाती हूँ, राइट?
सी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सी द शेड, ये मेरे स्मोकी के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है। लाइक आप इसको करो एंड जस्ट, यार इतना न्यूड सा शेड है बट वैसा शेड नहीं है कि आप इसको यू नो लगाओ और आपको लगे कि बहुत हैवी कुछ लगा लिया है। हाँ, अगर मैं ट्रांसफ़र की बात करूँ तो यार दे डू ट्रांसफ़र अ लिटिल बिट, देयर क्वाइट मैट। आई होप यू कैन सी, हल्का सा क्रीमीनेस नहीं मैं कहूँगी बट या वो लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह ही मैट नहीं, बट दे आर मैट। या दे डू ट्रांसफ़र अ लिटिल बिट, आपको ये अप्लाई करनी पड़ेगी लाइक 2-3 आवर्स के बाद। अगर आप ये कुछ खा पी रहे हो तो थोड़ा सा यू नो अप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी, बट अच्छा गुड लिपस्टिक अगर आप कुछ आराम से हल्का फुल्का कुछ ले रहे हो तो ये चल जाती है, आराम से चल जाती है राइट। अगर ये उतर भी जाती है ना तो इसका जो बेस होता है ना, बेस वो आपके टिंटेड सा रहते हैं, आपके लिप्स पिंक पिंक से आपके लिप्स रहेंगे। MS 101 इसका शेड नंबर है, तो अगर इसका कोई नेम वगैरह होगा तो मैं आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने नायका से खरीदी थी, आई गेस अमेजन पे नहीं मिलती ये लिपस्टिक, तो सॉरी गिरने वाली थी। यू कैन बाय फ्रॉम देयर एंड आई होप यू लाइक माई रिव्यू, आई होप यू लाइक द वीडियोज। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू हिट दैट बेल बटन ताकि आप फ्यूचर में नोटिफाइड रहो, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप जल्दी से उसको देख सको। एंड टिल देन बाय।